गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो चिल्ड्रन, लास्ट क्लास हम सब ने लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ा और हम सब ने जाना कि नेशनल सिस्टम मीन्स इंडियन सिस्टम, ओके, नेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है, नेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है, जिनके हेल्प से हम नंबर्स को लिखते हैं और उन्हें किस तरह से रीड किया जाता है, और नेशनल इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स में कॉमा किस तरह से लगाए जाते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स में कॉमा किस तरह से लगाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम सब ने जाना। तो अब हम सब रोमन नंबर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, रोमन नंबर्स क्या होते हैं, ओके, रोमन न्यूमरल्स फॉर लार्ज नंबर्स। द रोमन न्यूमरल्स डू नॉट फॉलो प्लेस वैल्यू सिस्टम, इट इज़ अ सिम्बॉलिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इट हैज़ सेवन डिस्टिंक्ट सिम्बॉल्स, दीज आर एज फॉलोज, ठीक है। रोमन नंबर्स जो होते हैं, जैसे हिंदू अरबिक सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट होते हैं, ठीक है, हम सब ने नेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा, लेकिन रोमन नंबर्स जो होते हैं उनमें किसी तरह का प्लेस वैल्यू चार्ट नहीं होता है, ठीक है, इनके सेवन जो होते हैं सिम्बॉल होते हैं, ठीक है, इन्हीं की हेल्प से और अदर नंबर्स भी फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो वन के लिए यहाँ आई लिखा जाता है, टेन के लिए एक्स लिखते हैं, एंड हंड्रेड के लिए सी लिखते हैं, थाउजेंड के लिए एम लिखते हैं, फाइव के लिए वी लिखते हैं, एंड फिफ्टी के लिए एल लिखते हैं, फाइव थाउजेंड के लिए डी लिखा जाता है, ओके। इस तरह जो सेवन सिम्बल्स है ये सेवन तरह के नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है, और इन्हीं के हेल्प से ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हम लोग नंबर्स अदर नंबर्स बनाते हैं, ठीक है। स्टेप ऑफ राइटिंग नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स, तो जिस तरह अगर हमें थ्री लिखना हो, ठीक है, हम जिस तरह जाने हैं कि हम लोग कि रोमन नंबर्स में ये सेवन सिम्बल्स ही होते हैं, लेकिन अगर हमें थ्री लिखना है, लेकिन नंबर्स तो सेवन नहीं होते हैं ना, और भी कई नंबर्स होते हैं जो एंडलेस है, ठीक है, अगर हमें थ्री लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, वन प्लस वन प्लस वन, इस तरह से लिख सकते हैं थ्री, और वन के लिए क्या है रोमन नंबर में आई, तो इस तरह थ्री आई लिखेंगे तो वो थ्री को इंडिकेट करेगा। इसी तरह अगर हमें एट लिखना हो तो फाइव प्लस वन प्लस वन प्लस वन, मतलब फाइव के लिए क्या नंबर है, फाइव वी है, ठीक है, वी है, और वन के लिए आई है, तो फाइव और थ्री टाइम्स अगर आई लिखते हैं तो वो किसको इंडिकेट करेगा, एट को, ठीक है। इसी तरह नंबर्स को आप सभी प्रीवियस क्लास से पढ़ चुके हैं तो आप सभी को उतनी परेशानी नहीं होगी समझने में, ओके। हिंदू अरबिक नंबर रोमन न्यूमरल मेथड ऑफ फॉर्मेटिंग द नंबर्स बाय रोमन न्यूमरल्स, ठीक है, अब कैसे नंबर्स को हम लोग फॉर्मेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरह जो नंबर्स है उसे हम लोग हिंदू अरबिक नंबर कहते हैं, ओके। तो फोर, फोर को किस तरह से लिखा जा सकता है, वन फाइव, फोर को हम लोग अगर फाइव माइनस वन करें तो हमें फोर मिलता है, और जिस तरह हम जानते हैं फाइव में रोमन नंबर को किस तरह से लिखते हैं, वी, और वन के लिए आई, मतलब जब अगर नंबर को सब्ट्रैक्ट करके लिखना हो तो जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसे आई, उसे फर्स्ट में लिखते हैं रोमन नंबर में, तो आई फर्स्ट में लिखा गया और वी, ठीक है, मतलब फाइव लिखा गया, ओके। तो इस तरह नंबर्स को बनाने के लिए जिस नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसे फर्स्ट में लिखते हैं, और जिससे सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसे पीछे लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमें फोर लिखना है तो फाइव माइनस वन होगा, तो माइनस को वन को सब्ट्रैक्ट करना है फाइव में से, इसलिए वन के लिए क्या होता है, आई, जिसे हमने पहले लिखा, और फाइव के लिए क्या होता है, वी, जिसे हमने बाद में लिखा। इसी तरह अगर हमें सिक्स लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, फाइव में वन ऐड करेंगे, मतलब हम लोगों के लिए, हम लोगों के पास जो सेवन है हम लोग उसी को बेस मान करके उसी से कोशिश करेंगे कि सारे नंबर बने, क्योंकि हमारे पास वही सोर्स है, ठीक है, वो जो सेवन है सिम्बॉल वही सोर्स है हमारे पास। अगर हम सिक्स लिखना हो तो क्या करेंगे, फाइव प्लस वन कर देंगे, फाइव के लिए वी होता है और वन के लिए तो आई होता ही है, ठीक है, जब ऐड करते हैं तो ऐड किया हुआ नंबर को पीछे लिखते हैं, जिस तरह फाइव के लिए वी आगे लिखे और वन पीछे लिखे, इस तरह बाकी नंबर्स इसी तरह से बनते हैं, ओके। इसी तरह अगर नाइन लिखना हो तो टेन माइनस वन करेंगे, वन के लिए आई है जिसे माइनस किया गया, इसलिए आई को पहले लिखे, टेन को बाद में लिखे। इलेवन लिखना है तो टेन प्लस इलेवन लिखेंगे, आई एक्स आई, ट्वेंटी है तो डबल एक्स, टेन प्लस टेन ट्वेंटी होता है इसलिए डबल एक्स लिख देंगे। फोर्टी, फिफ्टी माइनस टेन, ठीक है, तो टेन को माइनस किया गया इसलिए टेन के लिए एक्स पहले आया, और फिफ्टी के लिए एल होता है इसलिए एल लिखा गया। सिक्सटी, सिक्सटी क्या होता है, फिफ्टी प्लस टेन, फिफ्टी के लिए क्या होता है एल, और टेन के लिए एक्स, इसलिए एल एक्स, ओके, ऐड किया गया इसलिए एल के बाद एक्स किया गया, लिखा गया।
इसी तरह 70 के लिए क्या हो जाएगा, 50 के लिए क्या है, एल है, और 70 के लिए और 10 प्लस 10 मतलब एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 20, इसी तरह एल डबल एक्स क्या हो जाएगा 70, और 90 जब लिखना हो, 90 जब लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 100 माइनस 10 मतलब 90 हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो 100 के लिए क्या होता है सी, और माइनस क्या करना है 10, जो मैंने बता दिया है कि जो माइनस करते हैं उसे पहले लिखा जाता है, मतलब हमें 10 माइनस करना, तो हम लोग एक्स पहले लिखेंगे उसके बाद सी होगा, ठीक है, एक्स सी जो है वो 90 को इंडिकेट करेगा। इस तरह 110, तो 100 प्लस क्या हो जाएगा 10, तो 100 का क्या होता है सी, और 10 का क्या होता है एक्स, तो सी एक्स क्या हो जाएगा 100। तो अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2.3 करते हैं, राइट रोमन न्यूमरस। तो ये जो नंबर्स दिया है 40-60, मतलब 40 से लेकर हमें 60 तक क्या लिखना है, रोमन नंबर्स में लिखना है, फिर 80 से लेकर 100 तक लिखना है, 110 to 130। तो मैं आपको 110 to 130 कैसे लिखते हैं रोमन में बताती हूँ, और क्वेश्चन ए भी आपको खुद से करना है। ठीक है, 110, तो 110 का क्या होता है सी एक्स, 100 का क्या हो जाएगा सी, और 10 का एक्स, इसलिए सी एक्स। इसी तरह आगे क्या लिखेंगे, 111 का सी एक्स आई, 112 का सी एक्स डबल आई, 113 का सी एक्स ट्रिपल आई, इसी तरह से पूरा लिखेंगे। तो सी 120 का क्या हो जाएगा, 100 का क्या होता है सी, ठीक है, और 20 का क्या लिखेंगे 10 प्लस 10, तो एक्स एक्स, तो सी डबल एक्स हो जाएगा 120 का। इसी तरह 130 का क्या हो जाएगा, 100 का क्या होता है सी, 30 के लिए एक्स एक्स एक्स, ठीक है, 10 प्लस 10 प्लस 10 तो ट्रिपल एक्स आएगा, तो सी ट्रिपल एक्स क्या हो जाएगा 130। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट दीज नंबर्स इन रोमन नंबर्स। तो देखिए अब ये जो नंबर्स है हिंदू अरबिक सिस्टम में लिखा है, इसे किस में लिखना है, रोमन नंबर्स में लिखना है। तो 91 के लिए हमें कैसे लिख सकते हैं, 90 के लिए क्या लिखते हैं एक्स सी, 1 के लिए आई, ओके, इसी तरह 79, तो 70 कैसे हम लिखेंगे, 50 प्लस 10 प्लस 10, तो 50 के लिए क्या होता है एल, और 10 प्लस 10 के लिए क्या लिखेंगे एक्स एक्स, तो एल डबल एक्स, और 9 के लिए आई एक्स लिखते ही है, ओके। इस तरह 44 के लिए क्या लिखेंगे, तो 44 के लिए लिखेंगे, पहले हम लोग जानेंगे 40 कैसे लिखाता है, तो 40 कैसे लिखाएगा 50 माइनस 10, तो माइनस 10 कर रहे हैं इसलिए पहले x लिखेंगे, और 50 का जो l है उसको बाद में लिखेंगे, तो x l हो जाएगा 40 का, और 4 के लिए 15 लिखते हैं, 1v लिखते हैं, ओके, तो x l i v क्या हो जाएगा 44 का। चेंज द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इनटू हिंदू अरबिक सिस्टम, क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, अब ये जो रोमन नंबर्स है इसे हिंदू अरबिक सिस्टम में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर ए देखिए क्या लिखा है, एक्स 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 और ट्रिपल आई, ठीक है, ट्रिपल एक्स ट्रिपल आई, तो जो एक्स एक्स है वो क्या है 10 प्लस 10 प्लस 10, और ये जो ट्रिपल आई है 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 30, और ये जो 3 आई है ये क्या हो जाएगा 3, तो 30 प्लस 3 क्या हो जाएगा 33। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी देखिए, एक्स आई वी, ठीक है, एक्स क्या हो जाएगा 10 और आई वी क्या हो जाएगा 4, तो 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर सी, एक्स आई एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा 10 और आई एक्स क्या हो जाएगा 9, तो 10 प्लस 9 क्या हो जाएगा 19। इसी तरह आपको बाकी सब करना है। क्वेश्चन नंबर 4, मार्क 4 ट्रू एंड क्रॉस 4 फॉल्स, ठीक है, हमें ट्रू फॉल्स अब करना है। 15 क्या होता है, 1v क्या होता है 4 को इंडिकेट करता है, जो कि ट्रू है, राइट, तो इसमें क्या करना है, राइट के लिए मार्क कर देना है, क्या है ये ट्रू है। बी नंबर देखिए, ट्रिपल वी लिखा है जो रॉन्ग है, इसका मतलब कोई भी नंबर को इंडिकेट नहीं करता, ये क्या हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सी, डबल एल, ये भी रॉन्ग है, ये भी किसी नंबर को इंडिकेट नहीं करता है, ठीक है। ट्रिपल डी, ये भी रॉन्ग है, ठीक है, ये भी फॉल्स है, ये भी किसी नंबर को इंडिकेट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर ई, एक्स आई वी, मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 14, ये 14 को इंडिकेट करता है, इसलिए ये क्या है ट्रू है। एल एक्स आई, ये 61 को इंडिकेट करता है, इसलिए क्या हो जाएगा ट्रू। एल एक्स आई एक्स, ये किसको 69 को इंडिकेट करता है, इसलिए भी क्या है ट्रू। एल वी, ये 55 को इंडिकेट करता है, इसलिए ये भी ट्रू है।
फिल इन द ब्लैंक्स विथ लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। तो इसका हम क्या करना है, इसमें बताना है हिंदू हिंदू अरबिक सिस्टम और रोमन नंबर में दोनों को कंपेयर करके बताइए कि कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर और कौन इक्वल है। तो क्वेश्चन ए देखिए, 18, ठीक है, और इसमें रोमन में क्या लिखा है, एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है, 10। वी का मतलब 5, 10 5 क्या हो गया 15, और ट्रिपल आई का मतलब 3, तो 10 5 3 कितना हो गया 18, मतलब ये दोनों क्या हो गया इक्वल, इसलिए इक्वल का साइन दिया गया। क्वेश्चन बी में देखिए, यहाँ क्या लिखा है 15, और यहाँ क्या लिखा है एक्स आई वी। एक्स क्या होता है 10, और आई वी किसको बोलते हैं 4 को, 10 प्लस 4 क्या हो गया 14, इस लेकिन 15 जो है वो 14 से बड़ा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 15 ग्रेटर देन 14। तो अब क्वेश्चन में सी इसी तरह से 21 है, और यहाँ क्या है एक्स आई वी, तो जो रोमन में लिखा है उसे आपको समझना पड़ेगा पहले, ओके। तो एक्स आई वी, तो एक्स का मतलब क्या होता है 10, और आई वी आई एक्स मीन्स 9, ओके। एक्स आई एक्स, एक्स मीन्स 10 और आई एक्स मतलब 9, तो 10 और 9 क्या हो जाएगा 19, लेकिन 21 उससे बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा 21 ग्रेटर देन एक्स आई एक्स। क्वेश्चन नंबर डी 50, और एल आई वी, एल क्या होता है 50, और आई वी क्या होता है 4, मतलब यहाँ क्या लिखा है 54, यहाँ लिखा है 50, तो क्या हो जाएगा 50 लेस देन एल आई वी। इस तरह बाकी सब आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द ब्लैंक बॉक्स। अब देखिए ब्लैंक बॉक्स में आंसर लिखना है कि एक्स सी माइनस एक्स आई आई, ठीक है। तो एक्स सी किसको बोलते हैं 90 को, और एक्स डबल आई को क्या बोलते हैं 12, मतलब 90 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा 78, और 78 को कैसे लिखते हैं एल डबल एक्स वी ट्रिपल आई, ओके ठीक है। और क्वेश्चन नंबर बी, एल ट्रिपल एक्स माइनस एक्स वी, ठीक है, एल एक्स 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 माइनस एक्स वी, तो एल एक्स 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 इसे क्या बोलते हैं 80, ठीक है, एल मीन्स 50, और यहाँ देखिए 3 टाइम्स x लिखा है, मतलब क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 30, तो 50 और 30 क्या हो जाएगा 80, माइनस एक्स वी, एक्स वी किसको बोलते हैं, एक्स वी मीन्स क्या हो जाता है, एक्स मीन्स क्या हो जाता है 10, वी मीन्स 5, मतलब 15, 80 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या होगा 65, और 65 कैसे लिखा जाता है, 60 लिखेंगे कैसे, 50 प्लस 10, 50 के लिए L, 10 के लिए X और 5 के लिए V, इसलिए 65 क्या हो जाएगा L X V, और बाकी सब आप खुद से करिए। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द हिंदू अरबिक न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स। अब देखिए इसमें रोमन में लिखा है और हमें किस में लिखना है, हिंदू अरबिक नंबर्स में लिखना है, ओके। तो अब हम लोग इससे पहले समझना पड़ेगा, तभी आप लिख सकते हैं L X X I V। L मीन्स क्या होता है 50, X मीन्स 10, फिर x मीन्स 10, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 10 प्लस 10 70, और 1 i और v क्या हो जाएगा 4, मतलब क्या हो गया 74। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी, xl किसे कहते हैं 40 को, और ix क्या हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा 49। इसी तरह आपको क्या करना है, बाकी सब बनाना है। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, m किसको इंडिकेट करता है 1000 को, और ix 9 को, तो क्या हो जाएगा 1009। इसी तरह बाकी सब आपको करना है। तो इस तरह एक्सरसाइज 2.3 भी खत्म होता है। तो जितना सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है और बाकी के जो बचे हैं आपको अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक पे करने हैं, ओके। नाउ वर्कशीट 2.3 इज फिनिश्ड।